पर ए है वे ओ जगह जेरी गाल करना पिया मैं तो आको भाई तई दुनिया ते जितना भी अमीर ते इंसान है ना ओ ई जहान दे विच आवणे और ई जगह तो ते आवणे ता मैं था के राज आ गया ते तो आको नजर आंदा पियो से के मैं कब्रिस्तान दे विच आ जाया करा अ तो एक ऐसी शायरी खावण चाह सा के तुसा कनी जिंदगी दे विच ई चीजा तुसा कनी के डिठिया भी कहना होसन इंशाल्लाह तुसा जिंदगी मेरे ख्याल विच सा पहले दफा दे पे होसो क्योंकि ए जना चीजा ना ए बहु ही मतलब अफसोस दे मतलब ते बहुत बुरी मतलब एक किस्म दी मेरे को अजीब इंसान लगते हैं तो नजर आते पसंद के कब्रिस्तान के नाल बिल्कुल मतलब घर हैं नज़दीक घर हैं ये कई मतलब इन्हें अपनी जगह कहनी ये मतलब कब्रिस्तान के हदूद इतना करे बैठे हैं ते और जी तो आगे मेन मैं पॉइंट वास्ते मैं अज कब्रिस्तान दे विच आया लेकिन आमदे का है से जुमा जुमा या सुमार आज मस्जिद है भी सुमार तो मैं वैसे जियारत भी की वहाँ पीर सिंह की तो इतना अगर मैं अपनी जी वीडियो अज कंप्लीट करा मैं अपने व्यूवर दिखावा जल्द दिल का मेरा मतलब ख्वाहिश है कि मैं अपने व्यूवर दिखावा कि मत मतलब कि बंदा मेरा देखे हुकूमत थ्रू तो एक कैप्टन तो अमल भी करन मेन पॉइंट यह है इतना अगर मैं ये गल आया कि कब्रिस्तान इतना अगर मतलब गंद खराब है जरा आवाम थी तो इतने तक नजर आंदा पिछले मैंने जूम कर देखें ये देखो ये कब्रिस्तान के दूध नाल बिल्कुल कबरी नाल मैं थोड़ा दूर करा कबरी नाल तो गंद खराब है ये ही कब्रिस्तान के बिच सट्टी पे सब तो समझ नहीं आती भाई सारी हुकूमत कितना है लेकिन मेरे को कोई इंसाफ सबको नहीं मिले हालांकि असर बहुत सारे कितन मजीद जे मैं तो डिटेल है तो मैं हूँ देवनी है ये इंशाल्लाह तुसा देखनी है और तुसा मेरे को लाजमी कमेंट दसाना और मेरी सपोर्ट भी तुसा करनी है वीडियो को लाजमी डाउनलोड करो या इतों कर शेयर तुसा करो जितना तरह पेज होवन जितना व्हाट्सएप फेसबुक होवन जितना भी होवन ना गूगल वगैरह सब तो शेयर करो और ई कब्रिस्तान में जितना भी कहीं हर एक मतलब माँ बाप होने मतलब बहन भाई रिश्तेदार कई यार दोस्त होने जके होने तुम इन हेल्प करो ठीक है मेरी तो ये वीडियो को जितना थी सके शेयर करने प्लीज रज़ा इलाही की खातर ये कुछ शेयर करना क्योंकि कब्रिस्तान में बहुत सारा मतलब कचरा वगैरह सटिया वे तो इन कोई मतलब सफाई वगैरह कहीं थी वी अस जितना बारे भी इनको रोके ना ठीक है इन्हें तो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं थी वी मस्जिद तक मैं जोल के दिखे ना जितना अगर सारे मतलब रिश्तेदार या वडेरे वगैरह वो जोल के तौर में दिखे ना उन्हें तो कब्री के नाल देखो तो भाई क्या हशर थे पे कोई हुकूमत ने इतना अगर आके कोई इंसाफ दी कोई गाल कहनी की और ना ही अज तक इतना अगर कहीं यो कि जितना वेरी असा भी आवाज़ उठाई है यो इंसाफ वास्ते तब बिल्कुल सब दबाया गया बिल्कुल मैं हुकूमत से अपील करता हूँ कि इसे जल्द अज जल्द इस काम को सर अंजाम दिया जाए प्लीज़ मैं आपको दिखाता हूँ मजीद जी मेरे दोस्तों ये है वो जगह जो मैं आपको दिखाने वाला था पहले तो मैं सराकी में बात कर रहा था लेकिन अब मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ ये आपको नज़र आ रहा होगा देखें ये कब्र बिल्कुल नज़दीक है और ये जो गंद खराब है ना बिल्कुल कब्र के बिल्कुल ही साथ पड़ा हुआ है और कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही और जितना भी कचरा वगैरह हो रहा है ना इस हजरत शेख से मिल के जो साथ हम साहब बैठे हैं पड़ोसी बैठे हैं इस शेख से तो जो भी कचरा होता है वहाँ से उठा कर इधर ही फेंक देते हैं कोई हमारी यहाँ पर कोई मीडिया वगैरह नहीं आ रही कोई नहीं आ रहे हम खुद ही मीडिया हैं मीडिया में काम करते हैं और हमें बाप वगैरह कहता है कि जाइए यार भाई अपने कब्रिस्तान में जाकर वहाँ पर काम करें ये आप दूसरे काम तो करते हैं लेकिन जो नेकी वाला काम है वो आप करते नहीं क्या आपको भाई हो गया है तो मैं यही हुकूमत से अपील करता हूँ कि इस काम को जल्द से जल्द सर अंजाम दिया जाए तो इसलिए मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ सारे दोस्तों को कि इस वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक कमेंट करें मुझे बताएं और मेरी सपोर्ट भी करें ये देखें कि बिल्कुल मैं आपको एक मिनट में दिखाता हूँ कि कब्रिस्तान ये देखें कब्री बिल्कुल कुछ सड़क में आ गए हैं कुछ इस गंदगी वगैरह में पड़ी हुई हैं ये देखें जो बिल्कुल कब्रों के साथ पड़ा हुआ है द्रभा भी हो गया है मतलब यहाँ पर गंदगी वगैरह बहुत ज़्यादा है मजीद हद से भी ज़्यादा है कई गुना ज़्यादा है जितना हम इसे रोकने की कोशिश करते हैं ये रुकते नहीं है हमने कई बार बोला है कि हम इसे उठवा कर कहीं और दूसरी जगह फेंक देते हैं तो फिर आप खुदा यहाँ पर ना डालें या कचरा वगैरह तो कोई हमारी बात नहीं सुनता वो कहते हैं कि जिसे भी बोलते हैं कि यार ये आपका है ये कचरा वो कहता है नहीं यार ये मेरा नहीं है ये दूसरे का होगा ये दूसरे का होगा ऐसे कहते हैं लेकिन कोई कानूनी कार्रवाई यहाँ पर नहीं हो रही और हम गरीब लोग हैं हम क्या करें हम यही तो कहते हैं कि मीडिया के आगे रोते हैं और उससे रिक्वेस्ट वगैरह करते हैं लेकिन यहाँ पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती तो इसलिए मैं हुकूमत से अपील भी करता हूँ रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस काम को जल्द अज जल्द कम्प्लीट किया जाए तो और यहाँ पर कुरान खाती के लिए आते हैं लोग फातिहा पढ़ने के लिए आते हैं कुरान पाक की तिलावत करने के लिए बैठते हैं लोग आप देखें ये कब्र साथ में है ये कब्र है और ये गंदगी पड़ी हुई है कि ये इस जगह पर बैठकर कुरान पाक कौन खोलेगा बताएं मुझे यहाँ पर गंदगी है और यहाँ पर बदबू भी बहुत ज़्यादा है तो इसलिए मैं कहता हूँ आपको कि यहाँ जो गंदगी वगैरह है इसे साफ किया जाए और इंसाफ मिला जाए हमें आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ ठीक है अल्लाह हाफिज़ अल्लाह आपको खुश रखे।